हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लेमन प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में। इस फर्टिलाइज़र से आपके लेमन प्लांट पे फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे, फ्लावर जल्दी गिरेंगे भी नहीं और फ्लावर लेमन में कन्वर्ट भी होंगे और पत्तियां भी आपके लेमन प्लांट की ग्रीन रहेंगी। तो अगर आप भी चाहते हो अपने लेमन प्लांट को ग्रीन रखना, ज़्यादा फ्लावरिंग लेना, ज़्यादा फ्रूटिंग लेना, तो इस वीडियो को एंड तक पूरी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और देखने को मिलती रहें। तो फर्टिलाइज़र बताने से पहले आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए लेमन प्लांट को लगाते समय। सबसे पहली बात तो ये, जब भी आप कोई लेमन प्लांट ग्रो करो घर में, बाल्टी में या फिर किसी गमले में, तो आपको एक ऐसा प्लांट चूज़ करना है जो कि कटिंग या फिर ग्राफ्टिंग से ग्रो करा गया हो। आप अगर ऐसा प्लांट चूज़ करोगे जो कि सीड से ग्रो करा गया हो तो उस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर प्लांट का अपना एक वेजिटेटिव पीरियड होता है जिसके बाद प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करना स्टार्ट करता है। तो बस मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्लांट लो वो कटिंग या ग्राफ्टिंग वाला होना चाहिए, सीड वाला प्लांट नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो मेरे प्लांट की पत्तियां कितनी ग्रीन है। अक्सर क्या होता है, लेमन प्लांट की पत्तियां मुड़ने लगती हैं या फिर पीली होकर गिरने लगती हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आज जो आपको मैं फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ उससे आपके प्लांट में डेफिशिएंसी भी मैग्नीशियम की ख़त्म हो जाएगी। और आप देख सकते हो मेरे प्लांट में कितनी सारी ये न्यू शूट्स निकलने स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि अब फरवरी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो फरवरी में हर प्लांट में से न्यू शूट्स निकलने स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर हम अपने प्लांट में अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो न्यू शूट्स भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है लेमन प्लांट में। उससे पहले एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आपके लेमन प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो जाए तो आपको वाटरिंग थोड़ी सी कम कर देनी है। और लेमन प्लांट को सनलाइट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसको एक ऐसी जगह पर रखना भी ज़रूरी होता है जहाँ पर इसको दिन में कम से कम भी 6 से 7 घंटे की अच्छी खासी सनलाइट मिल सके। जितनी ज़्यादा सनलाइट प्लांट को मिलेगी उतनी अच्छी ये ग्रोथ करेगा, लीव्स उतनी ज़्यादा ग्रीन रहेंगी और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये सारी तो हो गई बेसिक बातें लेमन प्लांट को लगाते समय जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स की जिनकी वजह से लेमन प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से फ्लावरिंग गिरने स्टार्ट हो जाती है या फिर फ्लावरिंग कम आती है। तो सबसे पहला ज़रूरी फर्टिलाइज़र जो आपको लेमन प्लांट में हमेशा देना चाहिए वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को हम मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फेट होता है, इससे प्लांट में जितनी भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और मैग्नीशियम सॉल्ट एक वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र है, ये पानी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप उस पानी का स्प्रे अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हो और पानी को डायरेक्ट मिट्टी या गमले में भी दे सकते हो। इस फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करना भी बहुत आसान है। आपको बस लेना है 5 लीटर पानी और 5 लीटर पानी में आपको 1 टेबल स्पून मैग्नीशियम सॉल्ट का मिला देना है। उसके बाद आप 100 से 150 ml हर एक गमले में डाल सकते हो और इस पानी का स्प्रे भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हो। और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आपको हमेशा सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त करना है। ज़्यादा तेज़ धूप में भी आप इसका स्प्रे मत करिए पौधों पे। और या फिर जब बरसात का सीज़न होता है, बरसात के सीज़न में भी अगर आप स्प्रे करोगे तो सारा एप्सम सॉल्ट धुल जाएगा और कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो बरसात के सीज़न में तो अच्छा रहेगा आप डायरेक्ट गमले में ही दे दें, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको एप्सम सॉल्ट परचेज़ करना है ऑनलाइन तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो एप्सम सॉल्ट। या फिर अगर आपके लोकल मार्केट में मिल रहा है तो आप पहले लोकल मार्केट में से लेने की कोशिश करिए क्योंकि लोकल मार्केट में हो सकता है आपको कम प्राइस मिल जाए। लेकिन अगर लोकल मार्केट में आपको नहीं मिल रहा तो आप बड़ी आसानी से इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एप्सम सॉल्ट के साथ साथ आप कुछ और फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट में डाल सकते हो, जैसे कि सरसों की खल का फर्टिलाइज़र। अगर आपको नहीं पता सरसों की खल का फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाया जाता है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। तो सरसों की खल का फर्टिलाइज़र घर पर बनाना बहुत ही आसान है। सरसों की खल के फर्टिलाइज़र में NPK होता है और 38 से 40% तक प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और NPK भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को देने के भी सेम बेनिफिट होंगे, पत्तियाँ ग्रीन रहेंगी, फ्लावर जल्दी गिरेंगे नहीं और फ्लावर लेमन में भी कन्वर्ट होंगे। कई बार क्या होता है कि फ्लावर लेमन में कन्वर्ट नहीं हो पाते या फिर बहुत ही कम फ्लावर लेमन में कन्वर्ट होते हैं। और सरसों के खल का फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है, लेकिन जो हमारा एप्सम सॉल्ट होता है वो एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। तो ये इन दो फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक फर्टिलाइज़र आपको मैं और बताने वाला हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो जिससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस फर्टिलाइज़र का नाम है बोन मील।
और बोन मील भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो कि डेड एनिमल्स की बोन को क्रश करके बनाया जाता है, क्योंकि एनिमल्स की बोन में काफ़ी सारा कैल्शियम होता है और हमारे प्लांट्स को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, तो इससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे प्लांट में नहीं होती। तो बोन मील भी आप अपने प्लांट्स में ज़रूर यूज़ करिएगा। ये आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जहाँ से मैं लेकर के आया था मेरे को ये 40 रुपीज़ पर केजी पड़ी थी। अगर आपको ये वैसे तो आप इसको ऑफलाइन ही परचेज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन बोन मील परचेज़ करने का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप 70 से 80 ग्राम तक बोन मील अपने 12 से 15 इंच के गमले में डाल सकते हो। अगर आपका गमला इससे बड़ा है, इससे डबल साइज़ का है, तो आप बोन मील भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की और वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए।